हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल MCB. साड़ी पल्लू के इन थ्रेड्स में आज हम डिफरेंट एंड न्यू टाइप का साड़ी कुछ डिज़ाइन बनाएंगे, जो बनाना बहुत ही इजी है, न्यू टाइप का है, सिंपल डिज़ाइन है। यहाँ पे हमने स्मॉल से भी थोड़े से बिग साइज 2mm के गोल्डन बीड्स लिए हैं। उसके बाद सबसे स्मॉल साइज के स्टोन रिंग्स लिए हैं। फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, ऑल्सो इनके बदले में कोई भी बीड्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कोम की मदद से इन थ्रेड्स को नीटली कोम कर लेना है। नेक्स्ट हमें टेप और मार्कर की मदद से इस पल्लू के ऊपर हमें मार्क करना है। मार्किंग का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमने हाफ हाफ इंच के दो बार मार्क किए हैं, उसके बाद 1 इंच के डिस्टेंस पे एक बार मार्क किया है। नेक्स्ट हमें हाफ हाफ इंच से दो बार मार्क किया है, उसके नेक्स्ट हमें 1 इंच के डिस्टेंस पे एक बार मार्क किया है। इस तरीके से एवरी हाफ हाफ इंच के दो बार और 1 इंच का एक बार, इस तरीके से हमें मार्क करना है। नेक्स्ट हमें कोई भी क्रोशा या फिर बिग गाय वाला थिक नीडल लेना है। उसके बाद ये जो हाफ इंच के डिस्टेंस पे हमने मार्क किया हुआ है, उसमें जितने थ्रेड्स आएंगे उतने ही थ्रेड्स को अलग करते हुए पल्लू के नज़दीक एक टाइट नॉट बनाना है। देख सकते हैं, इस तरीके से अच्छे से एक टाइट नॉट बनाना है। हाफ इंच के डिस्टेंस पे जितने थ्रेड्स हैं उतने ही थ्रेड्स को अलग करते हुए हल्का सा ट्विस्ट करके पल्लू के नज़दीक एक टाइट नॉट बनाना है। हमने यहाँ पे हाफ हाफ इंच के थ्रेड्स को यूज़ करते हुए दो बार नॉट्स बनाए हैं। ये देख सकते हैं, दो हमने नॉट्स बना लिए हैं इन्हें साइड करते हुए। नेक्स्ट हमें 1 इंच के डिस्टेंस पे जो मार्क किया हुआ है उसमें जितने थ्रेड्स हैं उतने ही थ्रेड्स को अलग करते हुए हल्का सा ट्विस्ट करके पल्लू के नज़दीक एक नॉट बनाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप में हाफ हाफ इंच में दो बार, 1 इंच में एक बार, इस तरीके से थ्रेड्स को अलग करते हुए नॉट्स बनाना है। ये जो हाफ इंच के डिस्टेंस पे जितने थ्रेड्स हैं उतने ही थ्रेड्स अलग करते हुए हम यहाँ पे एक टाइट नॉट बनाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वाला ये जो हाफ इंच का डिस्टेंस है जो मार्क किया हुआ है, उसमें जितने थ्रेड्स आएंगे उतने ही थ्रेड्स को अलग करते हुए एक नॉट बनाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इन थ्रेड्स को यूज़ करते हुए जो हमने नॉट्स बनाए हैं, डिज़ाइन इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। 1/2 इंच के दो बार और 1 इंच के डिस्टेंस पे जितने थ्रेड्स आएंगे उतने ही थ्रेड्स को लेते हुए इन सभी थ्रेड्स को मिला के हमें एक नॉट बनाना है। इससे डिज़ाइन 2 स्टेप में डिज़ाइन जैसे आएगा। देख सकते हैं, हमने नॉट्स बनाते हुए फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमें स्मॉल साइज का नीडल लेना है। इसमें सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड, सॉरी कॉटन थ्रेड लेके एक नॉट बना लिया है। हमें यहाँ पे 2 से 3 फिंगर्स पास हो सके उतना ही थ्रेड यूज़ करना है। बीड्स को इन थ्रेड्स में पास करने का ये बहुत ही इजी मेथड है। नेक्स्ट हमें हाफ इंच के डिस्टेंस पे जो हमने 2 नॉट्स बनाए हैं उन थ्रेड्स को लेना है। इस फर्स्ट वाले थ्रेड में हमें इस नीडल को पास करते हुए इसमें सबसे पहले एक 2mm का गोल्डन बीड, उसके बाद एक स्टोन रिंग, फिर से 2mm का एक गोल्डन बीड, इस तरीके से हमें 3 बीड्स इसमें पास कर लेने हैं। इस नीडल की मदद से इन थ्रेड्स में पास करने के बाद नेक्स्ट वाला ये जो हाफ इंच का थ्रेड है इसमें हमें इस थ्रेड को पास कर लेना है। उसके बाद इसमें हमें 2mm का एक गोल्डन बीड, एक स्टोन रिंग, फिर से 2mm का एक गोल्डन बीड, इस तरीके से टोटल 3 बीड्स पास कर लेने हैं। स्लोली इन थ्रेड्स में पास करने के बाद नेक्स्ट हमें इन दोनों थ्रेड्स को मिलाते हुए इन बीड्स को पल्लू के नज़दीक स्लाइड करके इन दोनों को हमें वी शेप में लाते हुए इन थ्रेड्स को मिला के एक टाइट नॉट बनाना है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से अच्छे से एक टाइट नॉट बनाएंगे इन्हें साइड करते हुए। 1 इंच के डिस्टेंस पे ये जो हमने नॉट बनाया हुआ है इसे भी हम साइड कर देंगे, इसमें हमें कोई भी बीड्स ऐड नहीं करने हैं। नेक्स्ट हमें इन दोनों थ्रेड्स को लेना है। ये जो हाफ इंच के डिस्टेंस पे जो नॉट बनाया हुआ है इसके फर्स्ट वाले थ्रेड में हमें एक गोल्डन बीड, एक स्टोन रिंग, एक गोल्डन बीड, इस तरीके से 3 बीड्स पास करने हैं। इसे साइड करके सेकेंड वाले थ्रेड में इस थ्रेड को पास कर लेना है और इसमें हमें 2mm का एक गोल्डन बीड, एक स्मॉल साइज का स्टोन रिंग, फिर से 2mm का एक गोल्डन बीड, 3 बीड्स इस तरीके से पास कर लेने हैं। उसके बाद
इन दोनों थ्रेड्स को मिलाते हुए इन्हें वी शेप में लाके नीटली एक नॉट बनाना है। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना है, जितने हमने बीड्स ऐड किए हैं उतना ही डिस्टेंस पे नॉट बनाना है। 1 इंच का ये जो नॉट है इसे हम साइड कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो हमने बीड्स ऐड किए हैं वह है, इसमें भी बीड्स ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमें 90 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है। नेक्स्ट हमें इस नॉट के बैक साइड से इन सिल्क थ्रेड को हमें पास कर लेना है। स्लोली इस तरीके से पास करने के बाद दोनों साइड से इन सिल्क थ्रेड को हम नीट कर लेंगे। हमने यहाँ पे 5 स्ट्रैंड्स ऑफ जरी थ्रेड लिया है। इन जरी थ्रेड को इन सिल्क थ्रेड के बैक साइड से पास करके जरी थ्रेड के इस नॉट में से भी नीडल को पास करते हुए अच्छे से हमें इन सिल्क थ्रेड को टाई कर देना है। देख सकते हैं ये एक टसल रेडी हो गया है। इसे हमें एक बार फिर से नीटली ट्रिम कर लेना है। टसल्स को हमें नीटली ट्रिम कर लिया है। आप यहाँ पे बेबी टसल्स, नॉर्मल टसल्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमें इसे ऊपर की ओर स्लाइड करते हुए ये जो 1 इंच के डिस्टेंस पे जो हमने नॉट बनाया हुआ है इसके मिडल से बैक साइड से हमें नीडल को पास करते हुए यहाँ पे भी हमें एक और टसल बनाना है। देख सकते हैं यहाँ पे 2 टसल्स हमने बनाए हुए हैं। इस तरीके से 2 स्टेप्स में ये डिज़ाइन आएगा। इसी तरीके से सभी टसल्स बनाते हुए हमने वर्क को कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है। लगभग 2 to 2.5 आवर्स के अंदर ये डिज़ाइन बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय।